नमस्कार दोस्तों, आज मैंने गणेश चतुर्थी का आरंभ किया है तो हमारा 10 दिन तक गणेश चतुर्थी चलेगा और 10 दिन का भी फोटो इसमें देते रहूँगी। देखिए मेरे पापा को मैंने विराज कर दिया है, ये देखिए मेरे प्यारे से पापा है और ये देखिए हम फोटो लगा लिया है। हम इस तरह से पापा को फोटो लगाते हैं और पूछते हैं, तो आप सबको कैसा लगेगा इस वीडियो को जरूर बताना और लाइक करना शेयर करना। आशा करती हूँ वो तो देखिए ना कि देखा बनाने जा रही हूँ। धीरे धीरे देखिए मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब कढ़ाई को गर्म होने देंगे, उसका पानी को सूखने देंगे, उसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है मैं शुरू करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने दूध डाल दी है, अब दूध का गर्म होने के लिए इंतजार करेंगे। इसी बीच में फ्लेम को बढ़ाना है। फ्रीजर में डाला था इसलिए सॉलिड हो गया है, तो उसको हम अभी पिघला लेंगे। पिघला के फिर इसमें मोदक बनाएंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है। ये शुगर फ्री बनेगा तो आप लोग मोदक को एंजॉय कीजिए रेसिपी का। दूध जब तक गर्म होता है तो हम इलायची के कुछ दाने डाल देंगे खुशबू के लिए। देखिए मैं जैसे बनाती हूँ मोदक वैसे बना रही हूँ, आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं जरूर बताइए। इसी बीच में मैं पाउडर दूध डाल दूंगी चाय पीने वाले, जो एवरीडे है मैं मिला दी ताकि मावा अच्छा बने। मैंने 10 रुपये के 2 पैकेट डाले हैं, आप लोग को बड़े पैकेट डालना है तो डाल सकते हैं, मैं ये डाल रही हूँ। फिर इस दूध को मिला लीजिए इसके साथ में, धीरे धीरे मिलाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स होते जाए। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है,
इसका उबाल जब आ जाएगा तब ये मिक्स हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हाथ धो सकेंगे। मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा है इसलिए मैं धीरे धीरे कर, अगर आपके पास बड़ा कढ़ाई है तो बड़े कड़छी में अच्छे से कीजिएगा। अभी हम इसमें दूध में घी मिलाएंगे, जितना घी डालना चाहते हैं उतना डालिए, ज़्यादा भी मत डालिए क्योंकि ये नरम हो जाएगा तो आपका मोल्ड में नहीं लगेगा, तो उसी हिसाब से डालिएगा। मैंने दो स्पून डाला है बड़े चम्मच से, तो आप लोग जितना चाहिए उतना डालिएगा घी, अगर देसी घी होगा तो और भी बढ़िया होगा। आपको जितना मीठा पसंद है उतना डालिएगा। अभी इस शुगर फ्री को, वैसे तो शुगर फ्री मिक्स्ड हो जाता है जल्दी, अब मैं फिर भी इसको मिक्स करूंगी। कहते हैं लोग के अंदर मोदक जल्दी हो जाता है, नहीं, इसमें ये बात है कि आपको पेशेंट होना पड़ेगा मोदक के लिए, क्योंकि आपको मावा बनाना है तो उसको घंटों भर चलाना पड़ेगा तब जाके मोदक बनेगा। पापा जी का प्रसाद बन रहा है तो उसमें मेहनत तो लगेगी, तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ मोदक, तो समय लगता है। और किसके घर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है जरूर बताना, और थोड़ा खूबसूरत लगे मोदक इसलिए मैं थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर का रेड कलर दूंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा जो मोदक है बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बने, ये कलर भी कितना सुंदर आ रहा है। अब इसको पूरा मावा बनने के कंसिस्टी में आए तब आपसे मिलती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर कि पप्पा का प्रसाद बनने लगा है, यानी कि पप्पा हमारे घर विराजमान होने वाले हैं, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि पप्पा को प्रसाद चढ़ाने के लिए, और आशा करती हूँ कि पप्पा ये प्रसाद पसंद करेंगे। तो दोस्तों अभी भी मेरा काम चल रहा है, बन जाएगा मावा के कंसिस्टी में तब मैं आपको। ये देखिए दोस्तों फाइनली मेरा ये मोदक बन चुका, मोदक का जो मावा है बन चुका है। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज पे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही हम इसको मोल्ड में डालकर सांचे पे डालकर हम मोदक बना लेंगे। ये देखिए तेल घी छूटने लगेगा जब तब आपको लगेगा कि ये मावा बन चुका है, इस तरह से ठंडे होने के बाद मिलती है।
वन बहु वर्ष शंभू उमा बहु दान लुटावे सुरमणि जाने सूतक देखन आवे लखी अति आनंद मंगल साज देखन भी आए शनि राज अब गुण गुणी शनि मन मोहि पालक देखत चाहत नहीं गिरिराज गिरी कुछ बे